हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम अगेन टू आवर विद्या विहार फैमिली। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 12th ऑफ जून के कुछ एक इंपॉर्टेंट वर्ड को डिस्कस करेंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के फर्स्ट वर्ड की ओर, जो कि है हमारा कैलस। कोई इसे कैलाश मत पढ़ देना, कॉलस मत पढ़ देना, ये है कैलस। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है बेदर्द, निर्दयी। जैसे कि पिक्चर को देख सकते हैं, रोहिंग्या मुस्लिम, आपको पता है इन लोगों के साथ कितना अत्याचार हुआ है। रैखाइन स्टेट, म्यांमार के रैखाइन स्टेट से ये लोग बिलोंग करते हैं, जहाँ पे बुद्धिस्ट कम्युनिटी ज्यादातर है। तो उस कम्युनिटी ने इसे मार पीट के वहां से भगाया। प्रेग्नेंट लेडी थे, बूढ़े थे, बच्चे थे, सब लोगों के साथ बहुत बेदर्दी से पेश आया गया, इसलिए मैंने ये इमेज लगाया है। गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट वॉज कैलस अबाउट माइग्रेंट वर्कर्स, क्योंकि आपको पता है जैसे ही कोरोना आया था स्टार्टिंग में, कोई भी अपने माइग्रेंट वर्कर को अपने स्टेट में एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट जो जिस स्टेट के थे वो भी अपने स्टेट वालों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, यानी कि गवर्नमेंट जो था, प्रत्येक स्टेट की सरकार जो थी, माइग्रेंट वर्कर को लेके बहुत निर्दयी हो गई थी। सिनोनिम्स देखते हैं, एफेथेटिक, केयरलेस, हार्टलेस, इनसेंसिटिव। एंटोनिम्स देखेंगे, मर्सीफुल, कंसर्न, कंपैशनेट, सेंसिटिव। टिप्स इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। चाइना इंडिया के इंटरनल मैटर पे कैलस कमेंट देता है, ऐसा लगता है जैसे चाइना को किसी ने कैक्टस पे बिठा दिया। आपको पता है कैक्टस कैसा होता है, उस पर बिठाने के बाद जो निर्दयी बेदर्दी वाला कमेंट निकलता है, वैसा ही कमेंट हमेशा चाइना दे देता है इंडिया के इंटरनल मैटर पे। चलिए चलते हैं सेकंड वर्ड की ओर, जो कि हमारा रेप्रमांड। आई विल रिपीट इट अगेन, रेप्रमांड। पार्ट्स ऑफ स्पीच में भाव के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है डांटना या धमकाना। इस पिक्चर को देखकर आप समझ सकते हैं, यहाँ पे लेडी बॉस है, ये अपने एम्प्लॉय को डांट रही है, धमका रही है, ये काम ठीक से नहीं करोगे तो तेरा जॉब गया। यूएस गेव चाइना रेप्रमांड फॉर हाइडिंग द ट्रूथ अबाउट कोविड। यूएसए हमेशा चाइना को धमकाते रहता है, यूएसए तो बोलता है कोविड को चाइनीज वायरस, क्योंकि उसका मानना है कि चाइना ने ये सबसे छिपाया है, इसलिए यूएस चाइना को धमकाते रहता है। किस लिए, क्यों? क्योंकि वो कोरोना के बारे में सच तो था, पूरी दुनिया को बहुत लेट से बताया। माई बॉस गेव मी रेप्रमांड फॉर बींग लेट, मेरे बॉस ने मुझे धमकाया लेट होने के कारण। सिनोनिम्स, एडमोनिशन, सेंसर, रिब्यूक, ब्लेम। एंटोनिम्स देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, रिवार्ड, कमेंडेशन। टिप्स इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। बॉस से रेप्रमांड मिलने के बाद सोहन ने अपने शेड्यूल में अमेंडमेंट किया। क्यों नहीं करेगा? अमेंडमेंट मतलब होता है चेंज करना, बदलाव करना। बॉस से एक बार डांट मिला तो उसने जाके अपने शेड्यूल में अमेंडमेंट किया, वरना कल फिर से डांट मिल सकती है। चलते हैं आज के थर्ड वर्ड की ओर, जो कि हमारा डिप्रेडेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन के अंदर आता है, इसका मतलब होता है विध्वंस करना, लूटपाट करना। इस पिक्चर को आप देख सकते हैं कि ये लोग एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रेडेशन। इंडिया विल सर्वाइव द डिप्रेडेशन कॉज्ड बाय कोविड एंड साइक्लोन। इंडिया विल सर्वाइव, यानी इंडिया बचेगा किस चीज से? विध्वंस से, जो कि किया गया है कोरोना के कारण और साइक्लोन के कारण, तूफान के कारण, चक्रवात के कारण। साइक्लोन मेक्स डिप्रेडेशन ऑन द लैंड। साइक्लोन क्या करता है, पूरी जमीन को तबाह कर देता है, आम नागरिकों का रहना मुश्किल करता है, सबके घर उजाड़ देते हैं, तो साइक्लोन से क्या आता है, डिप्रेडेशन। सिनोनिम्स देखेंगे, डिसोल्यूशन, डिस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, डिवास्टेशन मतलब बर्बादी। एंटोनिम्स देखेंगे, रेस्क्यू, रिक्रिएशन, बून, कंस्ट्रक्शन। टिप्स इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। डिप्रेडेशन के टाइम पे गवर्नमेंट को अच्छा कम्युनिकेशन करना चाहिए लोगों के साथ, जैसे कि अभी कोरोना के कारण इतना सारा डिप्रेडेशन हुआ है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर रही लोगों के साथ, कितना फंड देना है, किसके लिए फंड देना है, जिसका जॉब लॉस हुआ उसका क्या होगा। तो यही एक सजेशन है कि गवर्नमेंट को अच्छा कम्युनिकेशन करना चाहिए लोगों के साथ। चलते हैं फोर्थ वर्ड की ओर, जो कि हमारा इंडिफेटिगेबल। आई विल रिपीट इट अगेन, इंडिफेटिगेबल। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के अंदर आता है, ये पिक्चर मैंने लगाया इंडियन नेवी का। ये लोग कभी थकते ही नहीं है, समुद्र में चलते रहते हैं, महीनों सालों भर समुद्र में चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने काम करते हैं। हमारे देश की जो कोस्ट कोस्ट का जो प्रोटेक्शन है, उसकी जिम्मेदारी इनके पास ही रहती है, मतलब कि जितना सारा कोस्टल एरिया है, सारे कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट इंडियन नेवी ही करता है, इसलिए मैंने ये पिक लगाया। यानी कि इसका मतलब होता है, इंडिफेटिगेबल का मतलब होता है अथक, ना थकने वाला, जो कभी ना थके। महात्मा बुद्ध वाज इंडिफेटिगेबल इन हिज सर्च फॉर द ट्रुथ। महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध जो थे वो कभी नहीं थके, अथक थे अपने सच के, अपने ट्रूथ के सर्च को करने के लिए, यानी कि अपनी सच्चाई को खोजने के लिए।
आप लोगों को पता है महात्मा बुद्ध के हिस्ट्री उनके साथ क्या हुआ था, वो सारा घर बार छोड़ के सन्यासी बन गए थे, सन्यासी जीवन व्यतीत करने लग गए थे, लोगों को शिक्षा दीक्षा देते थे। तो वो क्या थे, वो अथक थे, नहीं थकने वाले थे, किस चीज को लेके, ट्रुथ को लेके, वो लोग ट्रुथ के सर्च में निकले हुए थे। सेकेंड देखते हैं और एग्जाम्पल, हिज इंडिफेटिगेबल स्पिरिट हेल्प हिम टू कॉप विद द इलनेस। उसका जो ना थकने वाला आत्मा है, स्पिरिट है, आदत है, वो उसे इलनेस से कॉप, कॉप मतलब लड़ने में, उसकी बीमारी से लड़ने में उसे हेल्प किया। सिनोनिम्स देखेंगे एसिडुअस, डेलिजेंट, डॉग्ड, टायरलेस। एंटोनिम्स देखेंगे आइडल, इनएक्टिव, लिथार्जिक, फैटिग। टिप्स इसको याद रखने की कोशिश करेंगे, हमारे क्रांतिकारी यानी फ्रीडम फाइटर्स के इंडिफेटिगेबल कोशिश के कारण हम लोग फ्रीडम पाने में एबल हुए। उन लोगों ने अथक प्रयास किया, बार बार कितनों की जान गई, कितनों पे लाठी चार्ज हुई, लेकिन फिर भी वो लोग थके नहीं, वो लोग मरते गए और एक दूसरा खड़ा होते गया। उसी फ्रीडम फाइटर्स के अथक प्रयास के कारण हम लोगों को आज आजादी मिली है। चलते हैं लास्ट वर्ड की ओर, जो कि हमारा स्लैकन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के अंदर आता है। इस पिक्चर, ये पिक्चर तो पूरा फेमस है, 2019 में ये मेम्स का सबसे फेमस पिक्चर था। ये सरफराज अहमद पाकिस्तानी कैप्टन, इंडिया के साथ जब मैच हो रहा था तो ये विकेट के पीछे रह के ऐसे ही हाफ ही ले रहे थे। इसका मतलब क्या होता है, सुस्त हो जाना या शिथिल हो जाना, इसलिए मैंने ये पिक्चर डाला है। एक जस्ट फॉर जोक, जोक समझिएगा और कुछ नहीं। सेंटेंस देखते हैं, कोविड हैज स्लैकन द पेस ऑफ डेवलपमेंट। कोरोना क्या किया है, सुस्त कर दिया, शिथिल कर दिया डेवलपमेंट के पेस को, विकास के पेस को, विकास की गति को सुस्त कर दिया। टू गेट सक्सेस यू डोंट हैव टू स्लैकन योरसेल्फ। अगर आपको सक्सेस प्राप्त करना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको सुस्त या शिथिल नहीं होना होगा। सिनोनिम्स देखते हैं, अवेयर, डिमिनिश, लूज एंड मिटिगेट। एंटोनिम्स देखेंगे इनलार्ज, एक्सटेंड, ग्रो, प्रोलॉन्ग। टिप्स इसको याद रखने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्लैकन होते जा रही है क्योंकि वहां गुड गवर्नेंस का लैक है। लैक मतलब कमी होता है, अभाव होता है, वहां गुड गवर्नेंस है ही नहीं, इसलिए वहां की इकोनॉमी स्लैकन होती जा रही है, सुस्त होती जा रही है, स्थिर होती जा रही है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वंस अगेन।